वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गांधी हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत प्यारी रेसिपी बताने जा रहा हूँ, पीनट मसाला। पीनट मसाला आप अपने घरों में, रेस्टोरेंट में और होटल में किस तरीके से बना सकते हैं, ये आपको मैं प्रॉपर रेसिपी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से होटल लाइन में पीनट आते हैं, 1 kg का पैकेट है। इसको हम फ्राई करेंगे और मैं फ्राई करने का तरीका भी आपको बताने जा रहा हूँ। गैस की फ्लेम को करेंगे हम ऑन। फ्रेंड्स, जब इस तरीके से तेल चटक जाता है तो आपने इसको डालना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, पीनट पूरी हो चुकी है, आपने फ्लेम को ऐसे बंद करना है और इस तरीके से देखिए स्टेनर में डाल के। पीनट मसाला के लिए सबसे पहले आपको प्याज को चॉप करना है इस तरीके से। तो फ्रेंड, उसी तरह आपने टमाटर को भी इसी तरीके से काटना है। हम होटल लाइन में थोड़ा सा अलग से काटते हैं, पर मैं आपको घरों में और फ्रेश बनाने के लिए इसी तरीके से आपको चॉप करने का तरीका बताऊंगा कि आप इस तरीके से चॉप कर सकते हैं अगर आपने फ्रेश करना है तो। हम होटल में इसको बीज को निकाल के रख देते हैं, वो भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। अगर इसमें अगर आपने ज़्यादा देर पानी ना रहे तो आपने इस तरीके से इसको काटना है। ये है होटल लाइन का तरीका और जो है वो मैंने आपको घर का तरीका बताया है। ये देखिए, इसको हम स्टोर करके रख देते हैं। जब पीनट मसाले का ऑर्डर आता है तो हम एकदम इसको बना के देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप फ्रेश हरा धनिया, ये भी आपने बड़े प्यार से जड़ों को साइड से काट के और इसकी हल्की हल्की जड़ें जो रह जाती है बिल्कुल साफ करके, जैसे मैंने बॉश करके रखा है इसको, और बड़े प्यार से आपने इसको ऐसे चॉप करना है कट्ठा पकड़ के चॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा धनिया की जड़ें और पत्ते, देखिए इस तरीके से आपने कटिंग करनी है पीनट मसाला के लिए। इस तरीके से आप लेमन वेजेज काटने हैं। इसका जो बीज है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने पीनट चाट मसाला के लिए, देखिए पीनट ले लिए हैं और लेमन वेजेज आपने देखिए इस तरीके से काट के रखने हैं, और धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, देगी मिर्च आप कलर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहे तो ना भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है, और वाइट साल्ट और चाट मसाला। ये बस यही सेटअप जो है पीनट चाट मसाला के लिए आप तैयार कर सकते हैं अपने घरों में, होटल, रेस्टोरेंटों में। इस तरीके से आप करें, सबसे पहले आप लें तो प्याज आपको जितना आपका टेस्ट के अनुसार अपना प्याज ले सकते हैं, हरी मिर्च हल्की सी जो आपका टेस्ट है उस तरीके से, टमाटर भी आप अपने टेस्ट के अनुसार लें, और हरा धनिया आपने जड़ों के साथ डालना है। उसके बाद आप डाल सकते हैं साल्ट और चाट मसाला और हल्की सी कलर के लिए आप चाहे तो ना डाल भी सकें, और उसके बाद आपने डालने इसमें नींबू का रस। चटपटा बनाने के लिए इसमें लेमन बहुत जरूरी है। तरीके का आपने सेटअप, तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने पूरा इसको मिक्सचर करना है, बड़ा प्यारा देखिए कलर और बड़ी प्यारा टेस्ट अब चेक करके हम दिखाएंगे आपको। इस तरीके से चटपटा पीनट चाट मसाला आप अपने घरों में, रेस्टोरेंट में और होटल में तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सर्व करने से पहले आप इसको चेक कर सकते हैं ऐसे स्पून के साथ, सब कुछ इक्वल है, बहुत प्यारा बना हुआ है, आप इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम B&B प्लेट, इसको क्वार्टर प्लेट बोलते हैं, अपने होटल में इस तरीके से हम सर्व करते हैं। आप अपने घरों में भी क्वार्टर प्लेट B&B प्लेट में जैसे दे सकते हैं, गेस्ट के लिए बहुत प्यारा लगेगा। और साथ में डाल सकते हैं आप हरा धनिया, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए बहुत प्यारा है, देखिए। और साथ में एक लेमन वेज जो आपने डालना है इस तरीके से, ताकि आपको कुछ गेस्ट को थोड़ा खट्टा कम लगे या कुछ ये लगे, तो उसके लिए वो स्पेशल ये दिया जाता है चटपटा करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से पीनट मसाला बना सकते हैं अपने घरों में। आप चाहे तो पीनट का पैकेट आता है जो दुकानों में शॉप में आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से, और रोस्टेड होता है पहले से ही, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और बिना छिलके का भी आप यूज कर सकते हैं अपने घरों में बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि ऐसा ही पीनट आप लाएं, ये हमारे होटल के लिए है, होता है बिना छिलके का भी होता है और ऐसे भी होता है, तो गेस्ट की पसंद है। आप अपने घरों में दुकान से शॉप से ले सकते हैं, और रोस्टेड पीनट के पैकेट मिलते हैं। आप इस तरीके से इसको प्लेन पीनट लेके, रोस्टेड होनी चाहिए, आप अपने घरों में बड़े प्यारा इसका स्नैक्स बना सकते हैं पीनट चाट मसाला, और खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। गांधी हॉस्पिटलिटी की तरफ से आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गांधी हॉस्पिटलिटी की तरफ से।